नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी खास तौर से इस बात पे कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन लिंक्डइन पे कैसे कर सकते हैं। भाई लिंक्डइन ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है, अगर आप उसके प्रीमियम कस्टमर हैं तो भाई ये फीचर जो है ये आपको लिंक्डइन प्रोवाइड करता है कि आप आराम से ही अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना ये चीजें मैं आपको सिखाऊं और बनी रहूं आपके साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर बनी रहेगी आपके साथ और बहुत सारी चीजें सिखाती रहेगी। तो भाई बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की चर्चा, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप करोगे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जैसे मैंने जॉब्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा इंटरव्यू प्रेप। तो आप बढ़िया से जाएंगे इंटरव्यू प्रेप पे। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इसके इंटरव्यू की प्रेप के बारे में है वो ये है कि भाई इन्होंने बताया हुआ है कि कितने लोगों ने इसको जो है इस वाले क्वेश्चन को यूज किया हुआ है, क्योंकि ये तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है इसमें से। इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसको आप आंसर कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम हो तो ये भी आपको अवेलेबल है। उसी के साथ साथ वो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू ये भी बता देगा कि किस तरीके के आंसर्स यूज कर सकते हो, आपको टिप्स तक प्रोवाइडेड है गाइज। तो अपन एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देगा ये कि कैसे इसको इस आंसर को कैसे कैसे करना है, कि आप अपनी पर्सनालिटी टाइप बताएं, आप अपनी एबिलिटी बताएं, आप किस तरीके से क्या क्या चीजें रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद इसने सैम्पल आंसर दिया है यहाँ पर कि भाई अगर आपको इस सैम्पल आंसर को रीड करना हो तो आप बढ़िया व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर और उसने ये भी बताया कि इस बंदी ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, इस वजह से यहाँ पर जो उसने अपने स्किल्स को मेंशन किया है वो इसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर के लिए देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं, आंसर का फ्रेमवर्क देख सकते हैं यहाँ पर आप एक वीडियो में एकदम। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं सी मोर पे जाऊंगी तो बताएगा कि इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे उसने बताया कि कैसे ऑनेस्टी और इंगेजिंग तरीके से उसने इस फॉर्मूला को इस्तेमाल किया है, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन से कैसे प्रिपेयर करा है, कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मांगा गया है उससे रिगार्डिंग और रिलेटेड उसने आंसर यहाँ पे दिया है। उसके बाद टाई और स्टोरी टू देयर नीड्स, भाई सामने वाले की जो जरूरत हो अगर आपने वो पूरी कर दी यहाँ पर तो सामने वाला इससे ज्यादा कुछ चाहता ही नहीं है आपसे। तो एक तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने कर दी है। उसके बाद यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि भाई टिप्स उसने जो मेंशन किए हैं कि कैसे किस तरह के टिप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज है क्वेश्चन की। अब कैटेगरीज में आप जाकर ये देख सकते हैं जो अपन ने अभी ऑप्ट किया हुआ है, दैट इज कॉमन क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस के नाम से आ सकता है, अकाउंट क्वेश्चंस के नाम से आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें कितने कितने क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो अपन क्यों ना एक कुछ खोल के यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अपन क्या क्या चलाएं बताइए। अपन एक काम करते हैं, अपन बिजनेस एनालिस्ट पे देख लेते हैं बिजनेस एनालिस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो भाई यहाँ पर वो बता देगा कि कितने कितने तरह के क्वेश्चंस हैं और किस किस तरह के और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो उसने यहाँ पर करीब करीब आपको 23 क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं। तो क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको सैम्पल आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप किस तरीके से स्टार एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार जो होता है वो सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, जो यूजुअली ये जो मेथड होता है ये बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है। पिक एन ऑथेंटिक एग्जाम्पल, कैसे आप अपना एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कई बार ये अपने इंस्टाग्राम रील्स में आपको बताने की कोशिश करिए कि कुछ कहानियां आपके पास हमेशा प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, आपको ऑडियंस को कंसिडर करते हुए आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यार उसने इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है ना कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। कैटेगरीज में अपन जाते हैं वापस और यहाँ पर देखते हैं और कौन सी कैटेगरीज हैं। तो भाई कैटेगरीज में मुझे तो बहुत ही सारी अमेजिंग कैटेगरीज लग रही। तो एक रिलेशनशिप मैनेजर की ओर देखते हैं अपन कैटेगरी कि यहाँ पर आ गया है व्हाट आर यू लुकिंग फ्रॉम दिस कंपनी। उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द सेल्स, वॉक मी थ्रू योर सेल्स बैकग्राउंड, यानी आपके पूरा सेल्स के बारे में ये पूछेगा कि आपने क्या क्या चीजें करी हैं और कैसे कैसे करी हैं। तो ये सब चीजें जो है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब आ जाते हैं मन प्रैक्टिस एंड फीडबैक पे। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, अच्छा एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिकॉर्ड करते वक्त, रिकॉर्डिंग अगर आप डाल रहे हैं तो एक एआई एप्लीकेशन है जो इसके पीछे काम कर रही है। ये एआई एप्लीकेशन जो है आपको ये बता देगी कि कैसे आपने जो अपना आंसर दिया है वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, आपके करीब करीब 8 to 10 पैरामीटर्स को से रिलेटेड, चाहे वो क्रिस्प हो आंसर, क्लियर हो, ऑथेंटिक हो, कैसा भी आंसर हो ना, इसके कुछ 8 to 10 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये आपको रिकॉर्डेड आंसर्स का एक रिव्यू दे देगी। ठीक, उसके साथ साथ आप अपना रिस्पांस लिख भी सकते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस रिस्पांस को लिखें ना, आप इस रिस्पॉन्स को बोलें, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। वीडियो जो है आपका मिनिमम 8 मिनट्स का हो, 8 सेकेंड्स का होना ही चाहिए। अगर ये वीडियो 8 सेकेंड्स का नहीं है तो ये रिव्यू नहीं कर पाएगा, इसीलिए 8 सेकेंड्स का वीडियो जो है वो मिनिमम यहाँ पर चाहिए पड़ेगा आपको। ठीक, तो भाई मुझे लगता है कि मैं इस वाले जो चीजें हैं इसके बारे में काफी कुछ आपको यहाँ पर अभी बता चुकी हूँ, और बहुत सारी चीजें नई नई लाती रहूंगी भाई, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं जो है LinkedIn प्रीमियम बच्चों को सिखा के रहूंगी कि कैसे LinkedIn प्रीमियम पे वो ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं LinkedIn प्रीमियम पे। And I think my videos have been really helpful for me. The kind of response that I'm getting, I really admire the kind of response that I'm getting all over from people, and people who are texting me on Instagram, WhatsApp, anywhere. तो भाई आप सभी जो लोग मुझसे अब जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। All to my viewers, भाई जितने भी मेरे viewers हैं इनका बहुत 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 धन्यवाद कि भाई आपने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है, इतना ज्यादा सराहा है। Make sure that you like, share and subscribe my video and share it to somebody who really needs it. And please go through the journey of all the things that I've taught on my page called Personality Doctor. Thank you so much guys. Signing off for now. Your own Personality Doctor. Hope to see you in the other videos as well. Thank you.